हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं चल रही हूँ नाना के घर। आप चल रहे हो? बस सुजानगढ़ निकल रहे हैं मामी के साथ में। मामा चलने वाले हैं, बस भगवान के भी दर्शन। बस चलिए भगवान प्रणाम करके बस निकलूंगी, आप लोगों से मिलती हूँ। अभी हम मामा के साथ निकल गए हैं। अभी मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले मामा के घर जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आके सुजानगंज, क्योंकि मेरा घर पहले ही हॉस्पिटल पड़ जाता है, फिर मामा नाना का घर पड़ता है। तो पहले तो हम लोग जाएंगे नाना के यहाँ। वहाँ पे हमें गांव घूमना है, गांव मतलब नाना का घर देखना है। काफ़ी दिन हो गया मुझे गए। मामा ने कहा टाइम हो तो चले चलो। मैं निकल दी, डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया कि मैं मामा के साथ अभी घर जा रही हूँ, फिर वापस आऊँगी। तो अभी रास्ते में देखे कितनी, सावन के महीने में इस तरह से हरा भरा पूरी धरती हरी दिख रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए ये धान का खेत है, एकदम हरियाली। गाड़ी थोड़ी हिल रही क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है, यहाँ पे टूट फूट गए हैं बारिश में, जिस वजह से थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा। आप लोग देखो पानी भरा हुआ है खेत में। ये सब धान के खेत हैं, इस समय सब हरे भरे हो रखे हैं पूरे रास्ते, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। और रास्ते में यहाँ देखिए, इसके बाद में ये मंदिर पड़ता है ना, हर बार मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे दिखाती हूँ, दूर से ही। कभी पास तो नहीं गई, लेकिन दूर से ही हर बार आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है दूर से, हरे भरे खेतों के बीच में एक छोटा सा मंदिर, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। चारों तरफ से कोई घर नहीं और एक मंदिर, बहुत ही मुझे प्यारा लगता है ये जगह। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं नानी के घर। ये देखिए ये नाना का घर है। हम मामा मामी आ गए हैं, अब चल रहे हैं अंदर। थोड़ा सा थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं आपसे। मामी यहाँ गेट खोल रही हैं, बस सब लोग अंदर। देखिए राइट साइड में एक कुआँ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है कॉम्बिनेशन उसी घर के। अभी वो कुआँ झांकने लग गए, अभी डर लगता है बहुत ज़्यादा। इतना दिन बाद आए हैं नानी के घर पे। यहाँ पर गाय भी तो थी पहले, सब एकदम चेंज हो गया है। काफी जगह दिखने लग गई मामा, काफी जगह दिखने लग गई यहाँ से। यहाँ से जाते थे तो ये लकड़ी से, लकड़ी के ऊपर से चल के जाना पड़ता था दूसरी साइड, है ना। आओ चलो लकड़ी के ऊपर, इस साइड जाते थे लकड़ी के। अच्छा लग रहा है। आंवला और आम लगा है। अच्छा ऐसा है, एक इधर से दरवाजा। ए कुएं के पास, तुम कुएं में क्या झांकते हो बार बार? ये फुटबॉल गिरी हुई है। हाँ सब कुछ गिरा हुआ है, इसी वजह से दिक्कत हो गई। पहले इसी में नल था, इसी की बोरिंग में बैट गिरा है, फुटबॉल गिरा है, बॉटल गिरी है। गंदा कर देते ना, कितना इस पे जाली में लगाई जाए। हट जाओ ये नीचे देखो क्या दिखाई दे रहा है। अब बस करो बस झांको मत भैया, डर लगता है मुझे तुमसे। यहाँ अब मामा इनके यहाँ कोई नहीं ना? अच्छा तो पहले ही शायद लोग चले गए थे ना। और जो नानी थी वो नहीं रहे ना? अच्छा वो नानी भी अब नहीं थी। पहले ये कोल्हू ना मामा, हाँ ये कोल्हू बड़ा ऊंचाई पे लगता था। अब ये शायद ये नीचे की जमीन ऊंची हो गई इसलिए नीचे चला गया। इसको थोड़ी दबाया गया है? नहीं दबाया नहीं गया। हाँ है वहीं पे, पहले हम लोगों के इसे ऐसे चढ़ के तब जाके कुछ देखना पड़ता था उसमें। काम करो जो एलपी वगैरह खिलाओ सबको, थोड़ा जो है गर्मी वैसी लगी। चलो चलो बैठ गए हो, आ जाओ भी। तो नानी के यहाँ से यहीं पास में नरसिंह भगवान का स्थान है, वो स्थान है,
वो जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए चल रहे हैं मामा के साथ में, मामा देखिए आगे आगे चल रहे हैं, विभू है, आइए आप लोगों को भी हम दर्शन करवाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है नरसिंह भगवान का, जो कि वहीं से स्वयंभू निकले हुए हैं नरसिंह भगवान। पीपल के पेड़ है ना मामा, पीपल के बहुत बड़ा पेड़ है। तो चलिए दर्शन हम आप लोगों को भी करवाते हैं। पहले इधर से हम लोग निकलते करते थे ये वाले, आप लोगों को पूरा गांव देखिए कितना शांत दिख रहा है। मैं देख रही हूँ ज़्यादातर घर ऐसे या तो गिर रहे हैं या लॉक लगे हुए हैं। लोग शहरों में यहाँ से माइग्रेशन चल रहा है, लोग ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, वहाँ कमा खा रहे हैं, यहाँ घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए ये घर भी ऐसे ही पड़ा है, इधर पास में भी ये घर, ये देखिए ये घर भी ऐसे ही पड़ा है। एकदम शांति थी गांव में, मैंने देखा कुछ घर मतलब हैं, लगभग 20% घर तो ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग बाहर रहते हैं और इसी तरीके से आके कभी कभी देखते हैं, मेंटेन नहीं हो पाता इतना ज़्यादा, लोग रहते नहीं हैं तो कहाँ से मेंटेन होगा। तो हम आ गए हैं नरसिंह भगवान के स्थान पे, आइए आप सभी को भी दर्शन भी कराएंगे और यहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा मान्यता है वो भी आपको बताएंगे। इसी से इसको बोलते हैं कंकड़ स्नान। सारी व्यवस्था है यहाँ पे। ये पीपल के पेड़ है तो पूरा नीचे की जमीन तोड़ दी। नहीं नहीं बाद में जमीन बनाई गई है ना, वो तो भाई पीपल बढ़ेगा तो हो गई। ये कितने साल पुराना है ये? पुरानी मूर्ति यही है जो यहाँ से निकले थे। सारी घंटी बजा दे रहे हैं, सारी घंटी बजा ले रहे हैं। चलो भाई मम्मी ये सर की निकल रहा है। शंकर जी जैसे मुझे लग रहा है। ये जमीन से निकला है? उसमें पेड़ था ना बड़ा बेटा, तो उसी में से निकले थे। ये मतलब पहले ही यहाँ पे थे आके रखा है मूर्तियों का? नहीं इसी में से निकले थे पेड़ के साथ ही, मतलब कोई पहले यहाँ पे पूजा करता था। हो सकता है आते होंगे ना घंटे, इसलिए जो घंटी होनी चाहिए मंदिर में पुरानी। चलो हो गया, नहीं आओ परिक्रमा कर लो, परिक्रमा कर लो, आओ ऐसे परिक्रमा कर लो। हाँ एक नहीं छोड़ूंगा। इधर देखना भी पर नाना ने लगाया है पूरा पेड़ में जो है सब लग गया कि नहीं। कहाँ पे लिखा था मामा? ये साइड में ये कमल प्रसाद मिश्र पर नाना। हाँ ये दिख रहा है, ये बड़े नाना ने कमला नाना कमला प्रसाद मिश्र। और इसकी आवाज सुनो ए भाई छोड़ो। बहुत बढ़िया। हाँ पेड़ पर नहीं चढ़ सकते ना, वही हालात ये हो रही है, सब जो है इसी में दब जाएंगे। हाँ पहले जैसे उसमें बंधा रहा होगा वो एक में इकट्ठा हो गया। मुझे पता था, हमें जानता हूँ के है, हमें जानता हूँ। पहचान ले हो? हाँ भले हैं।
वही वही से आवत है, राखी बधवाई के मामा आवत है न। अच्छा, हम गए रहे अपने भाई के बाद है। हाँ, वही से आवत है। तो तुम्हार फोटो मम्मी के भेज दे भाई। अरे कहाँ कहाँ जूता पहन रहे, इधर आ भाई, इधर 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 उधर उधर पहनो, यहीं जमीन बैठ जाओ, यहीं जमीन बैठ जाओ, देख के उसमें घुस के मत बैठो, नीचे ही बैठो थोड़ा। हमें डर लगता है, ज्यादा नाटक नहीं करो, पता नहीं कब कब बंद है बेटा, ज्यादा बदमाशी ना करो। हाँ एक बिटिया भी है। हाँ नहीं बहुत तो नहीं है, लेकिन का करिए, तो नहीं बहन। फ्लैश लाइट चला के देख रहा हूँ, पता नहीं क्या डाला है। चलो यहाँ से, बहुत मामा ही बहुत बदमाश। इनका तबीयत खराब रही मामा, तो पता नहीं का हो था ना, कहीं कहीं गया रहा, तो यहाँ की निगाह हमें हमेशा आवत है। इनका तबीयत जब बहुत ज़्यादा खराब रही, तो बार बार ये हमें दिमाग में रहा कि हम कभी भी जाए तो वहाँ दर्शन जरूर करें। तो हम कहे अभी क्या कंप्लीट ना हो तो इनका एड्रेस किसका लोगे? बंदे। हाँ। तो मतलब उधर नहीं जाओ बेटा, मैं चलो घर पे दे रहा हूँ ना। हाँ? माने उनकर जो ना है ये वो सास बहन है, कटिया सास ना? ये हमारे बहन बड़की होती है। अच्छा ये। हाँ। अंदर लगी कभी हो। दीदी आई है? नहीं घर है दीदी की है। अच्छा अच्छा। मतलब का इस साथ गया है हम। ना ना भले की है। हाँ। राम प्रकाश मामा का घर है। ये सही है मामे? हाँ। ये सही है? नहीं वो डंडा सही नहीं है। प्राचीन मंदिर का दरवाजे टूटे सब कुछ इनको खुफिया और खजाने वाला रास्ता यही सब दिखता है प्राचीन। ये हम राम प्रकाश मामा के घर आ गए। कहाँ है भाई साहब? निद्रा नहीं के हम क्या, बस ऐसे मिलते चलते हैं, पानी चाय पी लिए। कौन है? अच्छा मान मामा के। हमें पहचानता हूँ के है ही हम। हाँ नाइन। अरे हमारे पास कहते समझाऊंगा, पंडाने की बेटी रामलाली मिश्रा की बड़ी बेटी सीमा मिश्रा। कब पर नानी की बेटी रामलाली की बेटी बड़ी बेटी। चलो हाँ आप सब ठीक है? अच्छा फोटो ले ली, मम्मी देखी ही ना। अरे खिंचा आता है, मम्मी भेज दे, तुम्हें पहचान लेंगी मम्मी। हाँ तो पहचान भी करेंगे। इस समय मैं वहाँ से आ चुकी थी, कुछ सामान है, कुछ गिफ्ट है, कुछ ये सब कुछ हम पैक करेंगे अब, क्योंकि कल ही हमें निकलना भी है।
तो ये विभू हम दोनों देख रहे थे कि इसको किस तरीके से पैक करना है। ये सामान एक सूट है, आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ये रेड कलर का सूट है, ये इसका पजामा है, बड़ा सुंदर सा है, ये देखिए। और ये कुर्ता है, ये दूसरा कुर्ता है ग्रीन कलर का, और इसका ये पजामा है। ये सारा सामान है, इन सबको हम लोग रख रहे हैं, पैक करेंगे, इसके बाद निकलना होगा। एक वुडन ट्रे है, ये क्या मसाले वाला है, वुडन ट्रे है, बड़ा सुंदर चाय पानी का है। इतना बढ़िया पैक है, बिगाड़ मत देना एज इट इज उसको फिर से ना, स्पाइडर मैन की जैसे निकालूंगा। वो रैप किया हुआ है, धीरे धीरे खोलो। इससे ज्यादा रैप तो मेरे लॉलीपॉप वाले डिब्बे का। ये पीतल है, ब्रास। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले नए फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सी यू।